से बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना का अनुमोदन किया है। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को इस वर्ष 6 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। मेरी सरकार ने 3,459 किलोमीटर सड़क और 202 पुलों के निर्माण के लिए 4,755 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कॉलोनियों में 4,447 किलोमीटर की कंक्रीट सड़कें बनाई जाई। एक विशेष विकास योजना के तहत 588 किलोमीटर की सड़क का विकास हो तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण रास्ता अभिवृद्धि योजना के तहत 143 किलोमीटर सड़क का विकास कार्य पूरा किया जाए। कुल 9,601 किलोमीटर जिला मार्गों को राज्य राजमार्गों के रूप में और 15,510 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को प्रमुख जिला सड़कों के रूप में उन्नत किया गया है। सचलता को बहाल करने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1,850 कार्य शुरू किए हैं। उत्तर कन्नड़ जिले के कासरगोल टोक होनावर तालुका में सरकारी निजी भागीदारी के तहत पतन विभाग की पट्टे वाली भूमि में 525 रुपये वाले रक्षित पतन का निर्माण शुरू हो गया है। एक समर्पित एरोस्पेस पॉलिसी को आरंभ करने वाला हमारा राज्य देश का पहला राज्य है। बीदर एयरपोर्ट का परिचालन 7 फरवरी 2020 को किया गया है। शिवामोगा जिले में 385 करोड़ रुपये की लागत से एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। उत्तर कन्नड़ जिले में 27.84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नौसेना एयरबेस के समीप सिविल एन्क्लेव के विकास का काम प्रगति पर है। विजापुर एयरपोर्ट को 220 करोड़ रुपये की लागत से विकसित करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री की 1,00,000 आवास योजना के तहत 46,499 मकानों में से 31,382 मकानों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। स्लम सुधार कार्यक्रम के तहत 150 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,460 करोड़ रुपये की लागत से अवसंरचना सहित 83,119 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। राजीव आवास योजना के तहत 19,897 मकानों के निर्माण के लिए 1,030 करोड़ की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उनमें से 18,570 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। 1,818 स्लम क्षेत्रों में 3.36 लाख परिवारों को हक पत्र जारी किया चुका है। शहरी क्षेत्रों में 74,574 साइट और ग्रामीण क्षेत्र में 48,161 साइट वितरण के लिए तैयार है। कारखाना अधिनियम के तहत एक बार में 15 साल तक लाइसेंस के पंजीकरण यानी नवीनीकरण की अनुमति देकर श्रम कानून का सरलीकरण किया गया है और स्वचालित नवीनीकरण प्रणाली शुरू करके लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त की गई है। महिला कर्मचारी को 2400 घंटे कारखानों में काम करने की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की गई है और प्रति तिमाही ओवरटाइम काम के घंटे की संख्या 75 से बढ़कर 125 घंटे की गई है। मेरी सरकार ने पिछड़े वर्गों के 26,552 लोगों के लाभ के लिए स्वरोजगार योजनाओं
अरिवु शिक्षा ऋण और गंगा कल्याण सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन पर 215 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति के विकास के लिए 17,863 करोड़ रुपया और अनुसूचित जाति के विकास के लिए 7,754 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। विभिन्न निगमों के माध्यम से 15,837 लाभार्थियों को ऋण दिया गया है। भूमि स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 3,061 एकड़ भूमि खरीदी और वितरित की गई है। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कर्नाटक आवासीय शैक्षिक संस्था सोसाइटी के आवासीय विद्यालयों में 1,021 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। मेरी सरकार ने कर्नाटक इनोवेशन ऑथोरिटी की स्थापना की है। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन को सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति से स्थापित किया गया है ताकि नवाचार को सम्मानित किया जा सके, निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, रणनीति की जा सके और ब्रोडिंग को बढ़ावा और वैश्विक नवाचार गठजोड़ स्थापित करने की नई पहल का प्रस्ताव किया जा सके। मेरी सरकार ने बेंगलोर से बाहर आईटी को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देते हुए नई आईटी नीति 2020-25 की घोषणा की है। वार्षिक फ्लैगशिप इवेंट बेंगलुरु टेक समिट का आयोजन एक आभासी मंच पर सफलतापूर्वक किया गया जिसमें 25 विदेशी देशों की भागीदारी थी। मुझे यह बताते